नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और साथ में मैं ऐसी भी आशा करती हूँ कि मैंने जिन वीडियोस में आपको योगा को अपनाने के लिए कहा था, आपने उसको कुछ हद तक अपनाया होगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। मैं बार बार इस चीज़ को अपनाने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से, 10-12 साल के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ से। योगा में इतनी सारी क्वालिटी होती है, इतने सारे गुण होते हैं जो आपकी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं या फिर किसी भी तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है, उनको बैलेंस बना के रखता है और स्वस्थ रखता है। अगर आप नहीं भी करें तो आप मेरे कहने पे आप 1 महीने इस चीज़ को ज़बरदस्ती करके देखिए, फिर आपको खुद को अपने आप में बदलाव महसूस होगा। आपको अंदर से ताजगी महसूस होगी, फ्रेशनेस महसूस होगी बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। योगा और प्राणायाम सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बेस्ट है। इसको आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही लोगों का फ़ायदा है। आज का अपना सेशन है वो है डबल चिन का। डबल चिन पे जो यहाँ फेट होता है, गले के चारों तरफ फेट होता है, तो डबल चिन का फेट हम कैसे कम करें, इसके बारे में मैं कुछ योग क्रियाएं बताऊंगी। ये इससे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सेशन को शुरू करते हैं जिसमें है डबल चिन। हमें इस प्रकार की डबल चिन बन जाती है, यानी कि ठोड़ी के नीचे दूसरी ठोड़ी टाइप से बन जाती है, अपने फैट जमा हो जाता है। और ये फैट होता है अपनी वो थायराइड ग्रंथि होती है उसके लिए भी बहुत हानिकारक, जिससे थायराइड बढ़ता है आपका। तो इस फैट को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ योग क्रियाएँ बताएंगे जिनसे आपका 15 से 20 मिनट तक आपको करना है। आप जो जो मैंने एक्सरसाइज चेहरे से रिलेटेड बताई हैं, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आप ऐसे सोचेंगे ऐसे तो 1 घंटा हो जाएगा। नहीं, आप उन सबको मिक्स में भी कर सकते हैं, अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसमें ऐसा है कि कुछ खाली पेट करें या फिर सुबह करें शाम को करें, कुछ भी टाइम टेबल नहीं है इसके लिए। आप जब आप फ्री हों, जब आपका मन करें, तभी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसे स्ट्रेचिंग कैसे होती है, सबसे पहले आपको मुंह को ऊपर करना है, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर करके जीभ होती है उसको बाहर निकालना है, जीभ को बाहर निकाल के और फिर वापस अंदर डालना है। आप खुद महसूस करेंगे कि ये वाली नसें होती हैं वो आपकी अच्छी तरीके से खींचती हैं, तो जिससे क्या होता है, ये फैट होती है, मसल्स होता है, उसमें टाइटनेस आता है। इस तरीके से ऊपर करें, नॉर्मल सांस लेते रहें। जीभ को अंदर निकाले, जीभ को बाहर करें, ठोड़ी को ऊपर लेके जाना है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, लेफ्ट राइट में करना है आपको, यूं करते हुए इस तरीके से जीभ को ऊपर निकाल के बाहर करना, मुंह बंद करना, इस तरीके से इधर घुमाएं, जिससे इधर से स्ट्रेचिंग होगा। दूसरी तरफ करें, ऊपर करें थोड़ा फेस को, ये मैं 5 5 6 6 स्टेप्स आपको बता रही हूँ, आपको 15 15 स्टेप्स करने हैं। इसी तरीके से आपको ऊ की साइज बना के ऊपर करना है, ऐसे मुंह को वापिस यूं करना है, फिर ऊ बनाना है।
जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उनमें आपको खुद को एक पहले दिन करते ही महसूस होगा कि मेरे कितना खिंचाव हुआ है यहाँ से। फिर आपको ठोड़ी को ऐसे नहीं अपने को गर्दन को सीधे लेके जाना है, गर्दन को नहीं, ठोड़ी को ऊपर लेके जाना है, फिर लाना है, फिर थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर लाना है, सांस भरते ही ऊपर लाए जाएंगे। यहाँ स्ट्रेचिंग होगा आपके, वापस नीचे लाए और नीचे ला के यूं टर्न करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, ठोड़ी को टच करें जिससे आपके पीछे का भी फेट कम होगा। फिर आपको जैसे चबाते हैं, कुछ खाना चबाते हैं तो अपन आराम आराम से चबाते हैं, लेकिन इसी पोजीशन को आपको क्या करना है, थोड़ा मुंह को ज़्यादा खोल के ज़्यादा घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरी साइड में घुमाना है, नेक्स्ट अपनी क्रिया होगी वो मुंह को पूरा खोलना है, जिससे यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेचिंग होगी, इन्हें से होती नहीं है, ऐसे होंगे इस तरीके से। आप इन नसों में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। अपनी एक्सरसाइज है वो है दोनों जबड़ों को मिला करके और ऐसे दबाव करके और इस तरीके से करना है जिससे आपकी मसल्स ये है ये खींचेगी और यहाँ वाला ये अंदर की तरफ दबेगा। जैसे ऐसे करें तो दोनों जबड़ों को आपको क्या करना है, दबा के रखना है और उसमें प्रेस करना है अच्छे से इस तरीके से। इन एक्सरसाइज से आपके जो डबल चिन का फैट होता है उस पर 100% असर पड़ेगा और इनको रेगुलर करनी है, ना ही कोई टाइम टेबल है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी इन एक्सरसाइज को जिनके कोई प्रॉब्लम है या जो वास्तव में कम करना चाहते हैं वो ज़रूर अपनाएं। अगले सेशन में इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।